सीमा किचन में आज चिकन योगर्ट करी पकाना सिखा रही। चिकन योगर्ट करी बनाने के लिए जरूरत होगी मुर्गी की 500 ग्राम लिया बोनलेस है और इसे छोटे पीसेस में इसको काट लिया है। दही को अच्छी तरह फेंटा हुआ है। एक कप लिए मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो दूसरा कप लेकर एक ग्लास भर कर ले लें। लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, इसको बारीक काट लिया है और छोटा छोटा भी इस तरह। मसालों में 1 टीस्पून सूख मिर्च है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। इसको रंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हम तेल में प्याज को तलेंगे। अब ये तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इन प्याजों को तला है और इसको डार्क ब्राउन कलर नहीं करना, देखिए हल्का सा पिंक कलर है। अब इसमें हम लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। सिर्फ आधा मिनट तक में पकाएंगे, ज़्यादा नहीं। अब इसमें मुर्गी शामिल कर लेंगे। और मुर्गी को पकाएंगे। अब मैंने इसको 5 मिनट तला है। अब इसमें तमाम मसाले डाल लूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस मसाले में मुर्गी को भुनेंगे। इस मसाले में मुर्गी को तकरीबन 2 मिनट पकाएंगे। अब इस मुर्गी में दही शामिल करेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है और इसमें तकरीबन आधा ग्लास पानी डाला है और इसको फिर से एक दफ़ा अच्छी तरह फेंट कर अब इसमें मैं मुर्गी में शामिल करूंगी। अब इसको फिर अच्छी से हिला लेंगे। आधा ग्लास पानी मैंने दही में फेंट कर डाला था और ये आधा ग्लास और मैं डाल रही हूँ। इसको एक दफ़ा अच्छी से मिक्स करके अब इसको ढककर मीडियम हीट पर इसको पकाएंगे। इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट पकाया और ये देखिए अब ये इसका मसाला खुश्क होके गाढ़ा हो गया और ये देखिए इसका तेल भी ऊपर आ गया, खाने से अलग हो गया और ये तैयार हो गया। चिकन योगर्ट करी तैयार है। आप इसको रोटी या नान के साथ सर्व करें।